हाय, मैं मोहुआ किचन इंडिया मोहुआ में आप सबों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने में मछली की एक प्रिपरेशन बना के दिखाऊंगी, और वो मछली है कवई मछली, जिसे बंगला में कोई माछ बोलते हैं, और उसे मैं गोभी के साथ बनाऊंगी। और ये मछली बहुत ही टेस्टी होता है और कांटा भी कम होता है, तो मैं आज ये मछली आप लोगों के सामने में बना के दिखाऊंगी। आप लोगों को ये मछली जरूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करे, कमेंट्स करे, दोस्तों में शेयर भी करे, और मेरा चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करे। देखिए, ये है कवई मछली। ये ऐसे छोटा होता है, लेकिन आज मुझे बाजार में बड़ा मिल गया, इसलिए मैं इसे काट के लाई हूँ, टुकड़ों में काट के लाई हूँ, जिसे मैं ये गोभी के साथ मसाले डाल के बनाऊंगी, बना के दिखाऊंगी आपको। हाँ, तो इसे बनाने के लिए मैं मछली को अच्छी तरह धो के हल्दी नमक लगा के रखी, और ये 4 पीस गोभी है जिसको मैं धो के काट कर हल्दी नमक लगा के रखी हूँ। ये हल्दी है, ये प्याज का टुकड़ा है थोड़ी सी, ये 5 फोरन है, इसमें जीरा भी है, हरी मिर्च है, ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, टमाटर की प्यूरी है, जीरा पाउडर है, ये गोल मिर्च पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये गरम मसाला है, और ये आपकी थोड़ी सी कंदा मसाला, आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, इसके बदले में आप मीट मसाला ले सकते हैं, और ये प्याज का पेस्ट है, और थोड़ी सी धनिया पत्ती है, नमक है, और इसे मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी। अब मैं मछली को फ्राई करने जा रही हूँ। इसे मैं इंडक्शन में बना रही हूँ। आपको जरूरी नहीं इंडक्शन में ही बनाना है, आप गैस के चूल्हा में भी बना सकते हैं। ये मछली मैं फ्राई करके रखी, अब मैं इसमें गोभी गोभी को फ्राई करूंगी। इसे मैं नमक और हल्दी लगा के रखी हूँ, अब इसे तेल में फ्राई करूंगी। मैं गोभी को लाल करके थोड़ा सा फ्राई कर ली, इसे मैं उठा रही हूँ, खाली में निकाल रही हूँ। अब मैं इसमें चुटकी भर 5 फोरन और जीरा डाल रही हूँ। फोरन कड़क गई, अब मैं इसमें प्याज जो काट के रखी उसको डाल रही हूँ। हाँ, तो मैं अब इसमें प्याज जो पीस के रखी इसको डाल रही हूँ। 2 चम्मच के करीब डाली मैं। मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें जीरा पाउडर डाली, 1 चम्मच के करीब है, और ये जो कंदा मसाला इसको डाली। इसके बदले में आप मीट मसाला दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, गरम मसाला है, और ये गोल मिर्च पाउडर है। अब आप क्या कर रही हैं इसमें? इसमें लाल मिर्च अच्छा लाल डाल मिर्च रही हूँ। मेरा मसाला फ्राई हो चुकी है, अब ये मसाला फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट डालूंगी। अच्छा अदरक लहसुन के पेस्ट डाल रहे हैं। हाँ, छोटा चम्मच का, 2 चम्मच। 2 चम्मच उसके हाँ। बाद में फिर मिलाइएगा क्या? नहीं, अच्छा
बस 2 चम्मच आपने मिला दिया। हाँ। हम भी तब मैं इसमें टमाटर प्यूरी भी डालूंगी। अच्छा फ्राई हो जाने के बाद टमाटर प्यूरी मिलाइए। अच्छा हल्का फ्राई करने के बाद टमाटर प्यूरी मिलाइए। अब मैं इसमें टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ, 4 चम्मच के करीब डाल दी, छोटी चम्मच की 4 चम्मच डाल दी। टमाटर प्यूरी मिलाकर फिर इसको फ्राई कर देंगे। कितना देर फ्राई कीजिएगा? 1-2 मिनट ज़्यादा नहीं। हाँ भाई अब फ्राई हो गई है, तेल निकलने लगी है। अब मैं इसमें नमक थोड़ी सी डाल दूँगी, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालें। आप लगभग 1 चम्मच छोटी चम्मच से आपने? हाँ 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच नमक डाले। मैं इसमें गोभी डाल रही हूँ, गोभी को डाल कर भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फिर पानी डालूंगी जिससे किसी मसाला जो है गोभी में लग जाए। हाँ। अच्छी तरह से लग जाए। थोड़ा सा पानी दे रहे हैं। हाँ, पानी दे के भी फ्राई कर रही हूँ। अब मेरा गोभी भी फ्राई हो चुकी, मसाले के साथ तेल निकलने लगी है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, आप जितना झोल खाएं उतना ही पानी डालें। मैं इसमें 1/2 गिलास के करीब अभी डाली हूँ पानी। थोड़ी खौलने लगेगी, आधी गोभी पक जाएगी तब मैं इसमें मछली डालूँगी। मछली तो फ्राई किया है इसलिए पकने में टाइम नहीं लगेगी। ढक दी थोड़ा पकने के लिए। गोभी को आप ढक कर रख दे रहे हैं पकने के लिए जैसे? हाँ। पूरा पक जाए। हाँ तब मैं मछली डालूंगी। मैं थोड़ी चीनी भी डाल रही हूँ इसमें। चीनी डालने से शायद कुछ टेस्ट इसका अच्छा हो जाता। हाँ, है थोड़ा सा कलर भी अच्छा हो जाता है। बंगाली लोग तो चीनी डालते ही हैं थोड़ी सी, आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं चीनी देना। फ्राई की हुई मछली डाल रही हूँ, मेरी गोभी पक चुकी है। मैं इसमें थोड़ी सी और पानी डाल दी। हाँ तो मेरी ये मछली बनके तैयार है। मैं इसमें धनिया पत्ती डाल रही हूँ। हाँ तो मेरी ये कवई मछली बनके, कोई मछली बनके तैयार है। तो आपको अगर ये मछली की रेसिपी अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरा चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मुझे मालूम है ये आपको बहुत अच्छी लगेगी ये मछली। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सब कोई खुश रहे, सेहतमंद रहे।